गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अवर चैप्टर ऑफ टू चैप्टर नंबर टू अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इट्स रिमेनिंग पार्ट. सो टुडे वी विल स्टडी ऑफ पेज नंबर 21 पार्ट. महेंद्रन लुकड अप अलार्म्ड. महेंद्रन ने लुकड अप मीन्स ऊपर देखा, अलार्म्ड मीन्स होता है बहुत ही डर गई, यानी कि बहुत ही चौंकते हुए. ही हैज जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल बट वर्स देन रवीज ऑफुल हुक ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो. यानी कि महेंद्रन ने आँख ऊपर उठाई, फ्राइटेन मीन्स डरते हुए, यानी अलार्म्ड मीन्स चौंकना. वह अभी पंजों को, यानी वो छोटा सा लिटिल किट क्या कर रहा था, अपने पंजों को नारियल के जो खोल होता है, जो शैल होता है, उससे किनारों पर रिगड़ रहा था. रवि की डरावनी हुंकार से भी बुरी थी कर्कश आवाज़, यानी कि रवि की, इट मीन्स बट वर्ड्स देन रवीज ऑफुल हुप ईक वॉज अ क्रीच. रवि की हुंकार से भी बुरी, वर्ड्स मीन्स बुरी, एक आवाज़ थी वो क्रीच, मानी वो एक क्रीच की आवाज़ फ्रॉम द विंडो, यानी बहुत ही अजीब सी वेयर साउंड आ रहा था विंडो से. वॉट अ वेयर साउंड, ये अजीब सी आवाज़ क्या है. इफ मृदु स्टार्टल्ड एम पी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ इट्स विट्स. मृदु भी डर गई, इसलिए एम पी पुन्नई, वो छोटा सा जो लिटिल किटी था, वो भी डर गया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके छोटे छोटे जो फर होते हैं, हेयर मीन्स बाल होते हैं, रोए होते हैं, वो खड़े हो गए डर के मारे. ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्रीड टुवर्ड्स अ बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. उसने बाउंस कर दिया वो बैम्बू ट्रे में रेड चिलीज रखी हुई थी, लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो उसकी तरफ भागकर उसने भागा वो. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो रेड चिलीज की जो ट्रे थी उसके नीचे वो लिटिल किटी था, वो बार बार उसकी छुपने की कोशिश कर रहा था. ही टिप्ड अ फ्यू लिटिल चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ चिलीज, थोड़ी सी मिर्चियाँ, ओवर हिमसेल्फ मीन्स अपने ऊपर, टिप मीन्स गिरा ली. म्याओ ही होल्ड मिजरेबली, म्याओ म्याओ वो मिजरेबली मीन्स दुखी होकर आवाज़ें कर रहा था, निकाल रहा था, बिकॉज वो डर गया था. कौन? लिटिल किटी, छोटा सा किटी का कैट का बेबी. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो क्रीचिंग यानी वो वेयर साउंड, अजीब सी क्रीच की सी आवाज़ चलती जा रही थी, आती जा रही थी. व्हाट्स दैट साउंड, किस तरह की आवाज़ है, मृदु ने कहा. दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लल्ली है जो बार बार वायलिन बजा रही है, ग्रंटेड रवि. रवि ने भुनभुनाते हुए कहा, थोड़ा सा गुस्से में कहा. शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कुछ भी नहीं सीखेगी, यानी आवाज़ किसकी, किसी और की नहीं आ रही, ये एक लल्ली है जो कि वायलिन बजा रही है, ये उसकी आवाज़ आ रही है. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक. ये तो लल्ली है जो कि वायलिन बजा रही है, रवि ने खींच कर यानी घुर घुर की आवाज़ करते हुए कहा. ये कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी, और जो म्यूजिक मास्टर है इस तरह से बजाता रहता है जैसे कोई रेलगाड़ी कंटिन्यूसली आवाज़ करती जा रही हो, बिल्कुल बेसुरी चलती हुई. यानी कि रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ही डिडंट लाइक इट. नेक्स्ट इज, दिस इज अवर पार्ट नंबर टू. मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो, मृदु विंडो की तरफ खिसक गई. लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन. मृदु खिड़की के पास खिसक के गई देखने के लिए कि लल्ली क्या कर रही है. लल्ली कुछ दूरी पर बैठी थी, लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और वह बहुत ही बेढंगे तरीके से वायलिन उसने पकड़ रखा था. ऑकवर्डली मीन्स होता है बेढंगे तरीके से. होल्डिंग हर वायलिन, उसने अपना वायलिन पकड़ रखा था. एंड बॉय स्ट्रिंग, और उसको जो बॉय स्ट्रिंग होती है, यानी कि वो बजाने के लिए जो स्ट्रिंग्स होती है वायलिन को, वो हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि लल्ली की जो एल्बोज, जो कोहनी थी, वो जूटिंग आउट, बाहर निकली हुई थी, और उसकी आईज कॉन्सेंट्रेटली, यानी कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता से वो देख रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. और सामने उसके, यानी लल्ली के सामने, बैक टू विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, यानी विंडो के बिल्कुल बैक, पीछे की साइड में एक बोनी फिगर म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे, यानी कि बहुत ही गठीले से.
ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. अब उनके जो बाल्ड होता है, बहुत ही बाल्ड हेड, बाल्ड मीन्स होता है नो हेयर ऑन हिज हेड, यानी गंजा सिर था. यानी म्यूजिक मास्टर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उनका सिर गंजा था. विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड, उन्होंने थोड़ा सा तेल लगा रखा था, और हेयर अराउंड हिज ईयर्स, यानी उनके जो छोटे छोटे जो उनके जो बाल थे, थोड़े बहुत जो बाल थे, फॉलिंग अराउंड मीन्स गिर रहे थे, उनके कानों तक आ रहे थे. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उन्होंने ओल्ड फैशन की एक चोटी बना रखी थी. टफ्ट मीन्स होता है चोटी. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, एक सोने की चेन उनके लेदरी मीन्स होता है चमड़े की सी नेक, यानी नेक कैसी डिस्क्राइब की गई है, चमड़े की सी नेक पे चमक रही थी. यानी उन्होंने अपनी नेक पे गोल्ड चैन पहन रखी थी म्यूजिक मास्टर ने. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और एक डायमंड रिंग ग्लिटर्ड, बार बार ग्लीट कर रही थी, बहुत ही चमक रही थी ऑन हिज हैंड पे एज इट ग्लाइडेड, जब वो वायलिन बजाते जा रहे थे. ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जब बार बार अप और डाउन करते थे वो, तो वो रिंग उनके चमक रही थी उनके हाथों पे. अ लार्ज फुट स्टक आउट ऑफ फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीज, एक बड़ा सा पैर स्टक आउट मीन्स बाहर निकला हुआ था उनकी गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी, मीन्स होता है एक धोती जो तमिल में पहनी जाती है, उनकी धोती से, धोती का एज मीन्स होता है किनारा, वेस्टी मीन्स धोती विच इज वियर इन तमिल, एंड एज मीन्स किनारा, यानी जो धोती उन्होंने पहन रखी थी उसमें से गोल्ड बॉर्डर बाहर निकला हुआ था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और वो बार बार बड़े से, स्क्रॉनी मीन्स होता है पतला, बिग टो जो बड़ा सा अंगूठा था पतला सा, नॉट अट्रैक्टिव, जो देखने में सुंदर नहीं लगता, वो बार बार से उस फ्लोर पे उस अंगूठे से बार बार हिट करते जा रहे थे, यानी बीट करते जा रहे थे अपनी धुन से. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स लल्ली स्टम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, उन्होंने कुछ धुनें बजाई. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स मीन्स उन्होंने कुछ धुन बजाई. लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लल्ली अब थोड़ा सा पीछे बैठी रही, यानी उनके पीछे पीछे लल्ली भी वायलिन बजाती जा रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, वो थोड़ा सा हेल्पलेस लगी थी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.